चाहती हूँ जो जिंदा दिल है, क्या इस वाक्य को सुनकर हमारी रूह कांप नहीं जाती? लेकिन हम सोए हुए हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की बात करते हैं और उसी दिन 11 रेपिस्ट रिहा होते हैं जेल से। 11 रेपिस्ट जब छूटते हैं तो VHP मेंबर्स जाके इन्हें यानी कि हार डालते हैं, इन्हें मिठाई खिलाते हैं। बेटी के लिए हम ऐसा करेंगे, औरतों के तहफ्फुज़ के लिए ऐसा करेंगे, इनके एम्पावरमेंट के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहाँ तक दिखता है? दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। नेशनल वीमेन फ्रंट की जानिब से आज हम जगत सर्कल पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तमाम लेडीज़ जो है बिल्किस बानू के केस में जो रेपिस्ट रिहा हुए हैं उसके खिलाफ हमारा यानी कि ये प्रोटेस्ट आज ऑर्गेनाइज किया गया है। हम जैसे देखते आए हैं और बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा भी है, गुजरात जो दंगे हुए हैं 2002 में और उसमें एक बहुत बड़ा मामला एक बिल्किस बानू का जो है मशहूर हुआ है, एक गैंग रेप, एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत, उस पर जो है 11 मेंबर्स जो गैंग रेप करते हैं और उसके 3 साल बच्ची को कत्ल किया जाता है और उसके 17 फैमिली मेंबर्स में से ऑलमोस्ट 14 फैमिली मेंबर्स को ख़त्म किया जाता है, 5 औरतें उसी के सेम फैमिली की यानी कि गैंग रेप होती हैं। तो ये बहुत ही हवलनाक यानी कि बर्बरियत वाला जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद जो बिल्किस बानू जिन हालात से गुजरती हैं और एक लॉन्ग बैटल जो लड़ती हैं जस्टिस के लिए वो बहुत ही यानी कि सराहनीय है। इतनी लॉन्ग बैटल लड़ने के बाद जब रेपिस्ट को सज़ा होती है 15 साल बाद वो जो है अमृत उत्सव के वक्त महोत्सव के वक्त जो है रिलीज होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस जो मनाया जा रहा था हमारा 75वां उस दिन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यानी कि जो रिमिशन पॉलिसी के तहत उन्हें रिहा किया जाता है। तो ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त जो है ये फैसला लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। हम समझते हैं कि जितनी यानी कि अज़ियत उसने सही थी, इतने साल वो यानी कि जीना सीख रही थी, इस बर्बरियत से और इस हौलनाक यानी कि वाक़े के बाद वो कुछ हद तक शायद संभल सकी थी इतने सालों में, और इन रेपिस्ट का रिलीज़, अब ये रेपिस्ट जो रिहा हो रहे हैं शायद वो अब इस यानी कि इस हौलनाक दौर से फिर दोबारा से गुजरेगी। कई हमने देखा है कि हमने पढ़ा भी है कि इन सालों में जब भी वो रेपिस्ट यानी वक्तन फ़क्तन बाहर आते थे बेल पर वो हमेशा अपना लोकेशन चेंज करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बदसुकूनी वाली और यानी कि दहशत में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और जहाँ तक ये रेपिस्ट जब छूट के आते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के दिन, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की बात करते हैं और उसी दिन 11 रेपिस्ट रिहा होते हैं जेल से, तो ये बहुत ही यानी कि फिक्रमंद बात है। एक सोसाइटी के लिए गलत मैसेज जा रहा है, ना सिर्फ हम मुस्लिम औरतें बल्कि समाज में रहने वाली हर औरत के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि 11 रेपिस्ट जब छूटते हैं तो VHP मेंबर्स जाके इन्हें यानी कि हार डालते हैं, इन्हें मिठाई खिलाते हैं, इनके पैर छूते हैं, तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ रेपिस्ट के अच्छे दिन आए हैं, रेपिस्ट के यानी कि इन्हें गवर्नमेंट बैकअप मिलेगा। लेकिन एक यानी कि अगर ये डिनाई करते हैं बिल्किस बानू के लिए, ये सिर्फ एक मुस्लिम औरत का मामला नहीं, ये पूरी सोसाइटी की औरतों के मामला है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये डिमांड है कि इस मामले को सिर्फ मुस्लिम का चश्मा पहन के ना देखा जाए बल्कि ये औरतों की सेफ्टी का मामला है। ये एक बड़ा थ्रेट है, इस तरह के रेपिस्ट रिहा होना समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि एक लॉन्ग बैटल के बाद जो जस्टिस होता है और बाद में ये रेपिस्ट इतनी आसानी के साथ बाहर आ जाते हैं। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि जिस ग्राउंड पे इन्हें छोड़ा गया है, जो रिमिशन पॉलिसी 1992 को फॉलो किया गया है, जबकि एक नई पॉलिसी ऑलरेडी रेडी थी, रिमिशन पॉलिसी 2014, जिसमें बहुत सारे क्लॉज डाले गए थे, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जिन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है या डेथ सेंटेंस दिया गया है वो बाहर नहीं आ सकते, रिमिशन पॉलिसी के तहत नहीं आते, और जिनके डेथ पेनल्टी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया गया है वो भी इसमें नहीं आ सकते, एग्जम्प्टेड है।
और जैसे सीरियस क्राइम्स है, जैसे रेप है, मर्डर है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके तहत ये रेपिस्ट बाहर नहीं आ सकते इस पॉलिसी के तहत। इसको सरपास करके जो ओल्ड एक्सपायर्ड पॉलिसी थी 1992 की, उस पॉलिसी के तहत इन्हें बाहर निकाला गया है। और जो कमेटी बिठाई गई, 12 मेंबर की जो कमेटी बिठाई गई, उसमें हमें यह जानना है कि इसमें कितने न्यूट्रल यानी कि मेंबर्स थे और कितने पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल या फिर आरएसएस के मेंबर्स थे जो ये रेपिस्ट इतनी आसानी से बाहर आ गए। यानी कि किसी रेपिस्ट को रेमिजन पॉलिसी के तहत लाने के लिए बहुत सारे बॉडीज़, बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है, जैसे जेल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जेल सुप्रिटेंडेंट होता है, होम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ये सारे लेवल से गुजर के कोई एक पॉलिसी जो है उसके तहत, ये रेमिजन पॉलिसी के तहत कोई क्रिमिनल बाहर आता है। और इसमें सर्टन कंडीशंस है, वो क्रिमिनल इस यानी कि पॉलिसी के अंडर में आएंगे जो अबाउट 60 ईयर्स हैं, जो विमेन है या ट्रांसजेंडर है या टर्मिनली इल है, उन्हें इस पॉलिसी के तहत छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया फिट नहीं होता, यहाँ पे बहुत हद तक मैनिपुलेशन हुआ है। तो हमारी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और गुजरात के जो गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी के तहत ये जो क्रिमिनल्स बाहर आए हैं इसको यानी कि रिवर्ट किया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सिर्फ बिलखसबानों के लिए नहीं बल्कि हर समाज में रहने वाली हर औरत के लिए गलत मैसेज भी है और एक यानी कि उनकी सेफ्टी के लिए थ्रेट है। तो हम चाहते हैं कि इस हम जो है बिलखसबानों को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए स्टैंड करते हैं, उसके गम में हम बराबर के शरीक हैं और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के क्रिमिनल्स फ्री ना घूमें। ये जो 11 रेपिस्ट, ये अलेज्ड रेपिस्ट नहीं है, ये कन्विक्टेड रेपिस्ट जो रिहा हुए हैं, इससे ये क्लियर मैसेज देना चाह रही है गवर्नमेंट कि औरतों पे इस तरह के मजालिम होते रहेंगे और अगर वो मुस्लिम औरत है तो जस्टिस डिनाई करेंगे, यानी कि टारगेटेड क्राइम्स होते रहेंगे। और जो इन क्राइम्स को सपोर्ट करेगा या उनके साथ स्टैंड करेगा उन्हें भी यानी कि जेल के अंदर भेजा जाएगा, जैसे टीस्टा के साथ हुआ या जो है सिद्दीक कप्पन के साथ हुआ। तो हमारी ये डिमांड है कि ना सिर्फ यानी कि सबकी डिमांड को एक्सेप्ट करें बल्कि बिलखसबानों को भी यानी कि जस्टिस दें और रेपिस्ट को जो है ना फिर से रीअरेस्ट करके जेल भेजा जाए। आज हमें वुमेन नेशनल वुमेन फ्रेंड्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा इसलिए रखे हुए हैं कि बिलखसबानों जो 2002 को गुदरा कांड में उनका रेप किया गया है और उनकी फैमिली के 14 मेंबर्स को कत्ल कर दिया है, इसके लिए हम जस्टिस फॉर बिलखसबानों के तहत ये प्रोटेस्ट करे हैं। देखिए आज के देश का माहौल ऐसा हो गया है कि ये दरिंदे आम खास घूम रहे हैं और 15 अगस्त के दिन इतना अच्छा हमारा आज़ादी के दिन इन रेपिस्टों को जो है ना रिहा किया जाता है और उसी वक्त सुबह में जो है ना मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है ना अपनी स्पीच देते हैं कि बेटी के लिए हम ऐसा करेंगे, औरतों के तहफ़ के लिए ऐसा करेंगे, इनके एम्पावरमेंट के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहाँ तक दिखता है, कहाँ तक नज़र आता है। फिर शाम आते आते ये फैसला सुना दिया जाता है कि जो बिलखसबानो एक दर्दनाक वाकया से गुजर चुकी हैं उनके रेपिस्टों को, 11 रेपिस्टों को जो है ना रिहा किया जाता है। मैं इस मुल्क की औरतों से पूछना चाहूँगी कि ये इंसाफ है, हमारे मुल्क में इंसाफ है, इंसाफ होगा? हम ये आने वाले दिनों में क्या हम इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं इस गवर्नमेंट से और इस अदालत से, जुडिशरी से? ये सवाल है, ये सवाल मेरी एक का नहीं, हमारी पूरी जो बहनें जो देश में हैं उनका सवाल है। ये एक बिलखसबानों का किस्सा नहीं, ये जो गोधरा कांड में 2002 में है ऐसी हमारी कई बहनें हैं जो इस वाकया दर्दनाक वाकया से गुजर चुकी हैं, लेकिन ये एक वाकया आज मीडिया में वायरल हो रहा है। इसलिए मैं उन हमारी बहनों से पूछना चाहती हूँ जो जिंदा दिल हैं, क्या इस वाक्य को सुनकर हमारी रूह कांप नहीं जाती, हमारी रूह कांप नहीं जाती? लेकिन हम सोए हुए हैं और जो मर गए हैं वो तो औरतें जो है ना उनको जो है ना फूल पहनाकर, हार पहनाकर उनका तिलककार करती हैं, वो भी एक बेटी हैं, वो भी एक बहन हैं, वो समझ लें। अगर किसी की बहन बेटियों को इस तरह से जुल्म तकलीफ देने के बाद आपको खुशी महसूस होती है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, ना आप इंसान हैं, ना आप में इंसानियत बाकी है। तो हम ये मुल्क से, गवर्नमेंट से कंडम करते हैं कि वो जो रेपिस्टों को रिहा किया गया है उनको जो है ना जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करें और बिलखसबानों को जो है ना रिहा करें, उनको इंसाफ दिलाए, जस्टिस दिलाए। देखिए आज
मुल्क का हर जर्रा जर्रे में जो है ना खौफ पैदा हो गया है। हमारी बहन बेटियां एक आज़ादी के तौर पर हम घर से बाहर नहीं निकल सकती, ना जाने कब हमारी बहन के साथ हादसा हो जाए, हमारी माँ के साथ हादसा हो जाए, ये हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारी औरतें आज जो गाफिल हो चुकी हैं वो अवेयरनेस में आएँ और अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं उनसे यही इल्तिजा करती हूँ कि हर एक इंसान इसके लिए बिल्किस बानो के लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए आवाज़ उठाएं जो इस जुर्म का शिकार हो रही है। सोचिए उस बिल्किस बानो पे क्या गुजरी होंगी जो 20 साल पहले वो वाकया उनके आंखों के सामने उनको माँ का कत्ल किया जाता है, उनके माँ का रेप किया जाता है। एक 3 साल मासूम बच्ची जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी है लेकिन उसका जो है ना रेप करके कत्ल किया जाता है। तो आज हमारा माहौल और हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हिंदूवादी, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध, ये सब हमें लेकर बैठ गए हैं लेकिन हमारे मुसलमान और हिंदू बहनें सब मिलकर हम लोग ये देश को एक जमहूरियत मुल्क बनाते हैं। हम यहाँ पर एक जमहूरियत और सेकुलरिज्म देश है हमारा लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके जो है ना आज हमारी बहू बेटियों को हम तहफ़ देने में नाकाम रह रहे हैं। क्यों? ये हमारी नाकामी है जो औरतें उन लोगों को बढ़ावा दे रही हैं। उन्हें शर्माना चाहिए कि ऐसे रेपिस्टों को वो सजा देने की कोशिश करें, ना कि तिलक करके उनके आरती करें। हाँ, ये मेरा डिमांड है और गुजरात गवर्नमेंट से और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं डिमांड करती हूँ और इस बात की कंडम करती हूँ कि उन रेपिस्टों को जल्द से जल्द जो है ना सजा दे दिया है। और एक मैं चंद अल्फाज के साथ, अशार के अल्फाज के साथ हमारी जो बहनें यहाँ पर ठहरी हुई हैं, ये एक हम बिल्किस बानो का दर्द नहीं है, मुल्क की हर लड़की का दर्द है।